हेलो फ्रेंड्स, भोजन पोटली में आज हम आपके लिए लेकर आए गणेश चतुर्थी स्पेशल रसमलाई मोदक, जिसे कि मैंने पनीर से बनाया है। इसके लिए मैंने एक कप पनीर लिया, उसको रफली चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने मिक्सी में उसको चर्न कर लिया। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन चर्न करने से इसमें ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है। उसके बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाला। ये एक कप पनीर है। इसके लिए मैंने आधा कप इसमें मिल्क पाउडर मिक्स किया और 2 से 3 टेबल स्पून शुगर मिलाई है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन में 1 टीस्पून घी डाला। इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना पनीर और मिल्क पाउडर के मिक्सचर को इस पर धीरे धीरे रोस्ट किया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पर ये नीचे से रेड हो जाएगा, लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो लगातार चलाते हुए मैंने इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया। देखिए, रोस्ट हो गया है। रोस्ट होने के बाद ये एक डो की फॉर्म ले लेगा, पैन को छोड़ देगा। अब इसे एक बाउल में निकाला, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, चॉप किए हुए पिस्ता, बादाम मिक्स किए और थोड़े से सेफ्रॉन के तागे डाले। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। 10 मिनट बाद मैंने इसे निकाला। आज मैं ये मोल्ड में बना रही हूँ। मोल्ड को मैंने पहले ही हल्का सा ग्रीस करके रख लिया था। अब इसमें मैंने एक बाउल सा बना के इसका और इसके अंदर रख दिया, दबा के एक्स्ट्रा सारा निकाल दिया है, हटा दिया यहाँ से। और उसके बाद इसको हल्के हाथ से खोल लिया है, थोड़ा आराम से निकालिए। ये बहुत डेलिकेट सॉफ्ट है कि टूट ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी बन गया है हमारा रसमलाई मोदक। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। वही थोड़े से चॉप पिस्ता डाले, एक एक सेफ्रॉन का धागा डाला और फिर से इसका रोल सा बना के अपने मिक्सचर का और हमने इसमें लगाया, दबा के एक्स्ट्रा सारा बाहर निकाल दिया है और हमारा सेकंड वन भी तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने को बनाने थे जितने मैंने बना लिए हैं। मेरा मोल्ड थोड़ा बड़े साइज़ का है, आप थोड़ा छोटा मोल्ड ये जैसा भी आपको पसंद है वैसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो तैयार हो गए हैं आपके बप्पा के भोग के लिए रसमलाई मोदक, जिसे बनाइए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, हमारी सारी रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।